आज के लेक्चर के नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम लोग यूनिट 2 करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आज इसका हम लोग लेक्चर 4 करने वाले हैं। तो इस लेक्चर 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टेंस, क्या पढ़ेंगे कंडक्टेंस। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टिविटी, क्या नाम है रेजिस्टिविटी। तीसरा नाम है कंडक्टिविटी और चौथा नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले जो लेक्चर नहीं की पढ़े होंगे, लेक्चर 3 जो हो चुका 1, 2, 3, वो नहीं पढ़े होंगे, तो वो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर हम आई बटन में दे देंगे उसका लिंक, वो देख लीजिएगा। और ध्यान से यूनिट टू है, ये 7 मार्क्स का है टोटल, तो ध्यान से रखना है कि ये 7 मार्क्स आपको कन्फर्म देगा ही, बहुत आसानी से देता है, बहुत छोटा यूनिट है और बहुत आसानी से 7 मार्क्स देता है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं, बहुत कम देखते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। तो सिंपल सर, मेरा कोई टेंशन नहीं है, जो पूरा कंप्लीट नहीं करता है मेरा कुछ भी नहीं है नुकसान, आप लोग का नुकसान। ऐसा नहीं कि हमको YouTube से कुछ पैसा आने वाला है, कुछ भी, सिर्फ आप लोग के लिए किए हैं, क्योंकि इतना लॉकडाउन के कारण इतना कोचिंग बंद है, इसलिए आप लोग के लिए किए हुए हैं, लेक्चर वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं, नहीं तो हमको कोई जरूरी नहीं था यूट्यूब में आना, कभी सोचे भी नहीं थे। इसलिए आप लोग जो है पूरा अच्छे से पढ़िए, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़िएगा तो नुकसान आप लोग का होगा, बाय सब कुछ मिल जाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं मिलेगा, और पढ़ाई जब तक नहीं मिलेगा तब तक इज्जत नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो बाबू, कॉमेडी वगैरह बाद में देखना, पहले इस चीज को भी देखो, अभी पूरा दिन खाली रहते हो, तो इसलिए कुछ नहीं, 20-25 मिनट का टॉपिक होता है, उस चीज को क्लियर कर लीजिए, आप ही लोग का फायदा है। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस। अब चलिए समझते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज है। पिछले क्लास में आप लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, क्या पढ़े थे रेजिस्टेंस, तो बस आप जो रेजिस्टेंस पढ़े थे उसी का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, यानी 1/R, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यही क्या होता है कंडक्टेंस कहलाता है, इसको जी से डिनोट करते हैं, किससे जी से। इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, क्या बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो बहुत ही आसान सा चीज है और इस चीज को याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है, रेजिस्टेंस का काम था करंट को अपोज करना, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को अपोज करना, और ये क्या करेगा, ये अपोज नहीं करेगा, ये क्या करेगा सपोर्ट करेगा, सिंपल सा। यानी जिस कंडक्टर का कंडक्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उसमें उसका मतलब उसमें उतना ही आसानी से करंट चलेगा। जैसे इमेजिन करो हम दो कंडक्टर लिए, एक ये लिए एक ये लिए, मान लो इसका कंडक्टेंस कम है इसका कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसमें करंट आसानी से फ्लो होगा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा प्रॉब्लम होगा। तो याद रखिए कंडक्टेंस बताता है कितना आसानी से उसमें करंट फ्लो होता है। तो इसका अगर हम यूनिट का बात करें, ऐसा यूनिट, तो देखो कितना आसान सा इसका यूनिट है, बोलो फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल टू 1/R। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो R है ये रेजिस्टेंस है, इसका हम लिख सकते हैं 1/ इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, इसका फर्स्ट यूनिट हो गया पर ओम, क्या हो गया पर ओम। लेकिन याद रखिएगा इस पर ओम से भी ज्यादा फेमस है, इसको कह सकते हैं महो, क्या कह सकते हैं महो, या इसी को हम कह सकते हैं साइमन, क्या कह सकते हैं साइमन। तो याद रखिएगा इसका यूनिट होता है पर ओम या महो या फिर साइमन, क्लियर है। तो इसका यूनिट हो गया, अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला का बात करें, इस कंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला का, तो जरा ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला जी इक्वल टू 1/R, जी इक्वल टू 1/R। तो इसको यहां से यूनिट से अगर हम निकाले इससे, तो 1/R है, तो R का यूनिट यानी रेजिस्टेंस का यूनिट था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, ये था। तो क्या इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, जरा समझिएगा, तो केजी पर पावर कुछ है नहीं है, तो हम बताए थे कि किसी पर देख के लगता नहीं है कि उसका कोई होगा, है ना, उसका कोई होगा, कोई देख के ऐसा लगेगा उसका कोई नहीं होगा, लेकिन याद रखना जिसका नहीं दिखता है उसका भी होता है, कितना एक पावर का बात कर रहा है। तो बोलो ये ऊपर ले जाएंगे तो केजी पर पावर प्लस 1 है, ऊपर जाएगा माइनस 1, एम पर पावर प्लस 2 ऊपर जाके माइनस 2, एस पर पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3,
और ए पर पावर माइनस टू ऊपर जाके प्लस टू, तो ये भी यूनिट हम लिख सकते हैं, क्लियर है। तो क्या यहां से हम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं? बोलो के जी का क्या, एम पर पावर कितना माइनस वन, मीटर के जगह एल पर पावर कितना माइनस टू, सेकेंड के जगह टी पर पावर थ्री और ए के जगह ए पर पावर टू। तो याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला था ठीक उसका उल्टा है, क्लियर है। ये बहुत ही आसान है। तो ये था आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जान के क्या जाने, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। जी से इसलिए क्योंकि जो ओम का पूरा नाम था वो था जॉर्ज साइमन ओम, तो उसी के जॉर्ज से जी लिया गया, ठीक है। और उसका जो साइमन था वहां से इसका यूनिट ले लिया गया, और ओम तो जानते ही थे रेजिस्टेंस का यूनिट था, तो उसका तीन नाम जो तीनों जो वर्ड था तीनों वर्ड था तीनों का यूज कर लिया गया। तो अब हम लोग कंडक्टेंस समझ गए। अब चलिए बात करते हैं रेजिस्टिविटी का। और इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिए रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका नाम है। और हम पहले ही बता देते हैं कि ये जो है ये वेवीआई है, चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, याद रखिएगा सबके लिए वेवीआई है। इस पर कंफर्मिंग एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज है। तो नाउ एज वी नो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं, वहीं से क्या होगा इसका डेफिनेशन आएगा और समझेंगे ये क्या है। तो जरा ध्यान से देखो, नाउ एज वी नो यानी जैसा कि हम जानते हैं। तो याद करो हम पिछले क्लास पढ़ाए थे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। किसके, लेंथ के। यानी लेंथ अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। एंड बोलो रेजिस्टेंस जो था वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। हम बताए थे कि अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन टू। अब जरा समझो दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब जरा ध्यान से देखो ये रेजिस्टेंस है आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आ गया। अब जरा ध्यान समझो आर है ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगा रहे। तो याद करो बताए थे कि जब भी कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगता है तो वहां कॉन्स्टेंट जरूर आता है, ये फिक्स है। तो इसीलिए यहां पर एक कॉन्स्टेंट आएगा, यहां कॉन्स्टेंट आता रो, क्या आता रो। तो ये जो कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रो, यही है रेजिस्टिविटी या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाय ए, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो रो है ये है रेजिस्टिविटी, क्या है रेजिस्टिविटी। अब इसको निकालना है, बोलो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। तो ये आर है, इसको इधर करें तो आर इंटू ए हो जाएगा बाय एल हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब चलो यहां से इसका हम इसका डेफिनेशन निकालते हैं। तो जरा देखते हैं इसका क्या होता है डेफिनेशन। तो इमेजिन करो इफ ये जो ए है, ए मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये वाला। जैसे मान लो इसको कंडक्टर मानोगे तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये इसका लेंथ होगा। तो ए, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ जो है कंडक्टर का वो मान लो है कितना 1 मीटर, कितना मीटर 1 मीटर। याद रखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना 1 मीटर। देन जरा समझो ये फॉर्मूला है रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। तो जरा ध्यान से देखो रो इक्वल टू आर है, आर के जगह आर, ए कितना 1, एल कितना 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बोलो रो इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, तो हम बोल सकते हैं देन रो इक्वल टू क्या आर। अब जरा ध्यान से देखो यहां से क्लियर क्या होगा, बहुत ही आसान है ये। तो अभी हम तुरंत जाने कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना 1 मीटर, तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहां से इसका डेफिनेशन बनता है, कैसे बनता है समझो। इमेजिन करो ये कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मान लो कितना है 1 मीटर स्क्वायर, कितना है 1 मीटर स्क्वायर।
और इसका लेंथ जो है ये भी कितना है, 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। तो ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी 1 मीटर हो, तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, मान लो रेजिस्टेंस आर है, क्या है आर, तो वही रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा यानी रो कहलाएगा। यानी यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं इस तरह करके, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर विच हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ इज नोन एज रेजिस्टिविटी। उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, सिंपल सा चीज है। तो यहां इसका देखिए नाम से रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया, लेकिन इस नाम से और क्लियर होता है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए यहां पर वर्ड लगा पहला स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल कंडीशन में, ठीक है, वहां पर एक कंडीशन अप्लाई है यहां पर, तो वो स्पेसिफिक और रेजिस्टेंस, यानी ये भी एक रेजिस्टेंस ही है लेकिन एक स्पेशल कंडीशन पर, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर। तो क्या है वो कंडीशन, तो कंडीशन सिंपल सा ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ भी कितना होना चाहिए 1, यानी यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ का कोई कंडक्टर रहेगा तो उसी के रेजिस्टेंस को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया ये क्या है। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन बहुत, अब इसका यूनिट का अगर बात करें, इसका बात करें यूनिट का, तो चलिए समझते हैं इसका यूनिट क्या होता है। जरा ध्यान से देखो, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, तो ये है फॉर्मूला था, ये क्या था फॉर्मूला। अब जरा समझो ध्यान से इसका, यहां से यूनिट निकाले इसका एस आई यूनिट, बोलो ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, क्या होता है ओम। ये एरिया है तो एरिया हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। बोलो ये लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा मीटर, मीटर से मीटर कट गया एक तो क्या बचा ओम मीटर, क्या बचा ओम मीटर। या और जरा समझो, देखो इसका यूनिट हुआ ओम मीटर, क्या हो गया ओम मीटर, तो क्या हम इस ओम को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। बोलो लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, और ये मीटर की जगह मीटर। अब जरा ध्यान से देखो केजी मीटर स्क्वायर इंटू मीटर तो क्या हो गया मीटर क्यूब, एस पर पावर माइनस थ्री ए पर पावर माइनस टू, तो ये हो गया इसका यूनिट। तो लिख सकते हैं हम यहां केजी मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। तो अगर ये यूनिट मालूम चल गया तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी तुरंत हो जाएगा। बोलो केजी का एम, मीटर का एल, क्यूब है यहां भी क्यूब, सेकेंड का T पर पावर कितना माइनस थ्री, ए का ए पावर कितना माइनस टू, तो ये हो गया इसका यूनिट, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन कुछ स्पेशल बात भी जानना हमको इसके बारे में, यानी कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो जानना जरूरी है। स्पेशल पॉइंट्स क्या है जरा समझिए ध्यान से। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, ये है। तो बहुत किसी बच्चे को लग रहा होगा कि रेजिस्टिविटी एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है। इसका सही आंसर है जी नहीं, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। यानी समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। इमेजिन करो ये जो है दो कंडक्टर है, ये मान लो कॉपर का और ये भी कॉपर का, मान लो दो कंडक्टर, इसका देखो लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, इसका अलग है। अब मान लो अगर इसका रेजिस्टिविटी अगर रो रहेगा तो इसका भी रो रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों मटेरियल्स हैं। मान लो ये कॉपर है ये भी कॉपर है तो सेम रहेगा, या एरिया वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इमेजिन करो अगर ये कॉपर रहता और ये एल्यूमिनियम रहता तो अलग होता, और ये क्या अगर मान लो दोनों इक्वल साइज का भी रहता, इमेजिन करो इक्वल लेंथ है, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों इक्वल है, लेकिन मान लो ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है तो इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, इसका अलग होगा। तो याद रखिएगा ये जो है रेजिस्टिविटी ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया और ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है, ये ओनली डिपेंड करता है मटेरियल पर, किस पे मटेरियल पर। अगर मटेरियल चेंज तो रेजिस्टिविटी चेंज, मटेरियल चेंज नहीं तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं। बहुत बार ऑब्जेक्टिव या फिर सीबीएसई भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इस कंडक्टर को हम स्ट्रेच करके इसका लेंथ 2 times इंक्रीज कर दें तो बताइए इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा। इसका सही आंसर है पहले रो था तो बाद में भी रो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई इसको खींच देंगे सिंपल सा, ये क्या कंडक्टर मान लो कॉपर का था क्या एल्युमिनियम बन जाएगा, क्या नहीं ना बनेगा, कॉपर ही रहेगा, तो सिंपल सा वही रहना है। क्लियर है।
तो ये था आपका रेजिस्टिविटी के बारे में पहला स्पेशल पॉइंट, फर्स्ट कि ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। अब दूसरा क्या है समझो ध्यान से, सेकंड देखा गया है कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या कर देता है इंक्रीज, तो याद रखिएगा उसका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाता है। रेजिस्टिविटी भी क्या होता है इंक्रीज, तो याद रखिएगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, क्लियर है। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो जो थर्ड टॉपिक है उसका नाम था कंडक्टिविटी। क्या नाम है? कंडक्टिविटी। तो चलिए समझते हैं कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं वो सिग्मा से, किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला होता है वन बाय रो। क्या है? वन बाय रो। तो रो को हम तुरंत जाने, रो मतलब क्या था? रेजिस्टिविटी। क्या था? रेजिस्टिविटी। तो कुछ इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नॉन एज कंडक्टिविटी। डेफिनेशन तो बहुत आसान है, बिकॉज आप पढ़े थे रो इक्वल टू, याद करो आर इंटू ए बाय एल, देयर फोर बोलो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाय कितना? रो की जगह रख देंगे ये R into A by L, तो इसको ऊपर ले जाएंगे बोलो सिग्मा बराबर L by R into A। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये भी है दोनों फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। अगर इसका हम यूनिट का बात करें यहां से, तो चलिए समझते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो ध्यान से देखो, ये लेंथ है तो लेंथ का क्या होगा? मीटर। और हाँ, इतना लंबा क्यों करना है, डायरेक्ट समझिए ये वन है बाय, अभी रेजिस्टिविटी का तुरंत पढ़े थे क्या? ओम मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? पर ओम पर मीटर। क्या लिख सकते हैं? पर ओम पर मीटर। तो याद करो पर ओम को हम साइमन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइमन पर मीटर। याद रखिए पर ओम की जगह साइमन पर मीटर, या इसको लिख सकते हैं महो पर मीटर, क्लियर है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी का, जस्ट उसका उल्टा, तो हो जाएगा यहां पर m पर पावर माइनस वन, l पर पावर माइनस थ्री, t पर पावर प्लस थ्री और a पर पावर प्लस टू। क्यों? क्योंकि याद करो रेजिस्टिविटी का यहां प्लस वन था, यहां प्लस थ्री था, यहां माइनस थ्री, यहां माइनस टू, इसलिए उल्टा कर दिया, माइनस कर दिया, ये सब प्लस कर दिया, क्लियर है। तो ये आसानी समझ गया होगा, ये है आपका कंडक्टिविटी, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने वाले टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब जो है तो ये है बाबू आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए समझते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा चीज है, समझो ये जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेनली बताता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है, उस चीज के बारे में बताता है। लेकिन इसको थोड़ा सा इसको डिफाइन करने के लिए चलिए डिराइव करते हैं पहले इसका फॉर्मूला। तो जरा ध्यान से देखो, नाउ एज वी नो, जैसे कि हम जनता है, तो याद करो हम बताए थे किसी भी अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा हम सिखाए थे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर चेंज करो इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो हम इसका यह भी तो बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर में चेंज ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस में भी ज्यादा चेंज होगा। तो याद रखिए चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर और डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज होगा। अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा आर ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल की जगह अगर हम इक्वल का साइन लगाते हैं, किसका साइन लगाते हैं? इक्वल। तो यहां पर कॉन्स्टेंट आ गया, यहां कॉन्स्टेंट आता है के। क्या आता है? के इंटू डेल्टा टी। अब जरा समझो, बट
ये जो k है ये है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, क्योंकि याद करो ये प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल आया है, तो इसी के लिए कॉन्स्टेंट आया, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो ये जो k है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू होता है वो अल्फा इंटू आर वन, क्या होता है अल्फा इंटू आर वन। तो ये जो अल्फा है यही आपका है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो अल्फा है इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो R1 है, ये R1 है इनिशियल रेजिस्टेंस, जैसे मान लो यहां पर हम डेल्टा R लिए, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज जो हुआ पहले तो कुछ होगा, जैसे मान लो पहले कितना था 10 ओम, कितना था 10 ओम, अब चेंज हो गया मान लो 12 ओम हो गया, चेंज हुआ सिर्फ 2 ओम, 10 ओम से 12 ओम हो, यानी चेंज कितना हुआ 2 ओम, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, लेकिन इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हो गया 10 ओम। तो ये जो R1 है यही आपका है इनिशियल रेजिस्टेंस, क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस। देयरफॉर जरा समझो, डेल्टा आर बराबर के की जगह लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर वन इंटू डेल्टा टी। अब जरा समझो ये हमको चाहिए अल्फा, तो बोलो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय आर वन इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया बाबू फॉर्मूला टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ये जो है अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हुआ। अगर हम इसका डेफिनेशन यहां से निकालना चाहें, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इमेजिन करो इफ ये जो डेल्टा टी है मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मान लो कितना की 1 केल्विन, कितना केल्विन 1, यानी चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 1 केल्विन, देन सोचो ये जो अल्फा होगा, क्या अल्फा बराबर समझना जरा सा, डेल्टा आर बाय आर वन इस डेल्टा टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे कोई फायदा होगा, इतना ही, यानी क्या डेल्टा आर बाय आर वन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो यहां से क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं, तो देखो जरा ध्यान से, यहां टेम्परेचर में चेंज कितना किए 1 केल्विन, कितना किए 1 केल्विन। तो जब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर में चेंज कितना किया जाए 1 केल्विन किया जाए, तो 1 केल्विन चेंज करने पर जो उसका चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ उस कंडक्टर का, ये डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस का जो रेशियो निकला, इसी रेशियो को हम कहते हैं क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो डेफिनेशन यहां से क्या लिख सकते हैं, व्हेन यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट मतलब 1, व्हेन यूनिट चेंज इन टेम्परेचर देन द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं अल्फा से, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका वो फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन, क्लियर है। अगर हम इसका यूनिट का बात करें, समझिए किसका बात कर रहे हैं, यूनिट का, एसआई यूनिट, तो वो ये फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो चेंज इन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोले इसका यूनिट क्या, ओम बाय, ये आर वन यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, इसका भी यूनिट ओम, और ये टेम्परेचर इसका यूनिट केल्विन, तो बोलो ओम से ओम कट गया कुछ नहीं, पावर तो वन, तो ऊपर जाएगा क्या माइनस वन। तो याद रखिए इसका यूनिट क्या होता है, पर केल्विन, क्या होता है पर केल्विन, याद रखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट होता है पर केल्विन, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं बाबू, ये जो हम लोग पढ़े इसके बारे में कुछ स्पेशल कुछ पॉइंट जानना है, तो जरा ध्यान से देखिए स्पेशल पॉइंट क्या है। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट पहला ये बताना हमको, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अल्फा का वैल्यू अगर आप कंडक्टर के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, कंडक्टर के लिए, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन यही अगर हम अल्फा का वैल्यू अगर हम किसके लिए निकाल लें, सेमी कंडक्टर के लिए, तो इसका वैल्यू होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। अब आपके मन में होगा सर ऐसा कैसे, तो जरा ध्यान से देखो, तो इसका सिंपल सा रीजन है, जरा ध्यान समझो, जैसे मान लो अगर हम कंडक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं कंडक्टर, तो मान लो अगर 300 केल्विन है टेम्परेचर, 300 केल्विन, अगर मान लो कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस R1 अगर मान लो 10 ओम है, तो बोलो अगर टेम्परेचर राइज कर दें, थोड़ा बढ़ा दें, मान लो 310 केल्विन कर दिए, तो मान लो इसका टेम्परेचर हो जाएगा कितना 12 ओम, क्यों, क्योंकि कंडक्टर में आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, यह टेम्परेचर बढ़ा 300, ये कितना पर था 300 केल्विन पर, और ये कितना 310 केल्विन पर मान लो। तो अगर हम यहां चेंज निकालें, डेल्टा आर निकालें, चेंज इन रेजिस्टेंस यानी आर टू माइनस आर वन होता है, बोलो आर टू का वैल्यू 12 हो जाएगा माइनस आर वन का वैल्यू 10 हो जाएगा, कितना निकला प्लस टू, यानी टू यानी क्या प्लस टू। तो
जरा ध्यान से देखो, कंडक्टर के लिए चेंज इन रेजिस्टेंस किसमें है? प्लस में। सो तो यहां प्लस रखेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन यही अगर हम बात करें, अगर इसको सेमीकंडक्टर के लिए करें, किसके लिए करें? सेमीकंडक्टर के लिए। याद रखिए सेमी कंडक्टर के लिए करें तो जरा ध्यान से देखो, सेमीकंडक्टर के लिए करेंगे क्या होगा? बहुत ही आसान सा चीज है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर इस चीज को करें, सेमीकंडक्टर के लिए करने के लिए देखो कितना आसान सा चीज है। बोलो अगर रेजिस्टेंस मान लो कितना 300 केल्विन पर, कितना 300 केल्विन पर अगर 10 ओम है, कितना ओम है 10 ओम। तो बोलो अगर हम रेजिस्टेंस निकाले कितना 310 केल्विन पर, मान लो 10 केल्विन बढ़ा दिए टेम्परेचर, तो सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस हो गया चलो 9 ओम ही हुआ, मान लो 1 ओम घट गया। तो बोलो अगर हम चेंज इन रेजिस्टेंस निकालेंगे यानी R2 माइनस R1 करना होगा यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, तो फाइनल कितना हो गया 9 माइनस 10, तो बोलो कितना निकला? माइनस 1 निकला। यहां रखेंगे माइनस 1 तो बोलो नेगेटिव ही ना आएगा। तो याद रखिएगा अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कंडक्टर के लिए निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा, सेमीकंडक्टर के लिए निकालेंगे तो नेगेटिव होगा। तो ये चीज रखना है याद। और हाँ, आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, सारा आज के लेक्चर में यही टॉपिक तक होगा। अब एक और चीज बता देते हैं, जो कि पहले हम बताए थे, इसका सारा नोट्स जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते थे एसआरडी क्लास चैनल से, लेकिन अब जो है वैसा कोई जरूरत नहीं है। अगर टेलीग्राम से नहीं भी करते हैं क्या करना, आपको सिंपल सा चीज है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे एक लिंक दिया रहेगा पीडीएफ नोट्स का, तो उस नोट्स उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये जितना भी चीज पढ़ा है इसका सारा का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान हो गया, आप टेलीग्राम वगैरह इंस्टॉल करने का भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्लिक कीजिए उस लिंक पर, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, यानी आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ बाबू अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये छुट्टी हुआ है ठीक है, ये छुट्टी इसलिए चल रहा है यानी लॉकडाउन है कोरोना वायरस से बचने के लिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई से बचने के लिए। बहुत बच्चा देख रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो उस चीज को थोड़ा समझो, तुम ही लोग के फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सम को फी मिल जाता है, तो तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो हम तो फी ले ही लेंगे, और फी ले लेंगे मृत आ जाएगा, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। इस बार देख लीजिए बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किया है स्टूडेंट लोग, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, उसी तरह झारखंड बोर्ड का भी आना बाकी, हमको पूरा विश्वास है कि उसमें भी अच्छा आएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से आप लोग को ऐसे पढ़ना है कि हमको फिर अगला साल नहीं बोलना पड़े कि पिछले साल वाला बच्चा अच्छा है। इसलिए बाबू अच्छे से पढ़ो, तुम ही लोग के लिए बोल रहे हैं ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहना ठीक।